और मेरा उन्वान का अगला हिस्सा है एक अजीम मौजज़ा। मौजज़ा कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई नबी करता है, जो कि अल्लाह ताला यानी कि ईश्वर यानी कि खुदा उनसे करवाते हैं। एक अजीब चीज़, एक ऐसा वाकया जो कि आम तौर पर होता नहीं है, उसको बोला जाता है मिरेकल, मौजज़ा या चमत्कार, वंडर, अमेजिंग थिंग, एन साइन, एक निशानी उसको बोला जाता है। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग समझा नहीं सकते कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको हम लोग एक मिरेकल कहते हैं। अगर आप अलग अलग डिक्शनरीज पढ़िएगा, जैसे कि ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मिरेकल वर्ड को डिफाइन करता है एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट दैट सिग्निफाइज दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टू अ सुपरनेचुरल एजेंसी, कि एक अजीब, एक ऐसा अजीब वाकया जो कि कोई खुदाई ताकत के तरफ जिसकी निस्बत किया जाता है। उसी तरह एक और डिक्शनरी है, ऑक्सफर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी, उसको अगर आप पढ़िएगा तो वो मिरेकल को डिफाइन करता है एन एक्ट और इवेंट दैट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ नेचर एंड इज दस बिलीव टू बी कॉज बाय गॉड, कि एक ऐसा चीज़, एक ऐसा वाकया जो कि आम इंसानी फितरतों को फॉलो नहीं करता, उस पर उसकी इत्तबा नहीं करता, तो इसलिए ये माना जाता है कि वो अल्लाह का काम है, वो किसी खुदा का काम है। उसी तरह एक और डिक्शनरी है, वेबस्टर्स डिक्शनरी, अगर आप उसको पढ़िएगा तो वो भी कहते हैं कि मिरेकल के बारे में, चमत्कार के बारे में, कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट मैनिफेस्टिंग डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स, कि एक अजीब वाकया, एक हैरत अंगेज़ वाकया जो कि हमको दिखाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये इंसानी मामलात में खुदाई मुदाखलत का एक ज़रिया है। उसी तरह कॉलिंस डिक्शनरी अगर आप पढ़िएगा तो वो भी कहते हैं एन अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग इवेंट दैट इज़ बिलीव टू बी कॉज बाई गॉड, कि एक अजीम, एक ऐसा वाकया, एक हैरत अंगेज़ वाकया जो कि ये माना जाता है कि अल्लाह ने या खुदा ने उसको किया है।